हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं डोंग जॉन सेंटर। आप देखते हैं कि वो मार्केट अच्छी है या किस तरह की है। तो बस अभी हम घर से निकले हैं और मौसम आज जो है ना वो बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। क्या अफगानी मार्केट तक पैदल चल लोगी? ये जो अफगानी मार्केट है ना। हाँ चल लूंगी। बस फिर सही है। फिर उसके बाद हम एजवान में जाने वाले हैं। हाँ। ये हमारे घर के बहुत करीब एक पार्क है जहाँ हम एक बार भी नहीं आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह रमजान के बाद मैं यहाँ पर डेली जॉगिंग के लिए आऊंगी। आप आओगे? देखेंगे तुम आओगी या नहीं आओगी ये देखेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे एक कंपनी तो चाहिए ना। अभी मेरे यहाँ फ्रेंड्स नहीं बने हैं ना, तो दैट्स व्हाई मैं बहुत अकेला फील करती हूँ यहाँ पर। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? एस्पान की तरफ। एस्पान की मतलब तरफ। एक सबवे है जो स्काई सबवे है, मतलब कि ऊपर चलती है। एक होती है अंडरग्राउंड उबांग, एक होती है अंडरग्राउंड उबांग सबवे से, एक एस्पान सबवे से। तो अभी हम जा रहे हैं एस्पान में बैठने के लिए। और उबांग में बैठेंगे क्योंकि मुझे उबांग में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उबांग का रोड ही नहीं है ना। अच्छा, तो अभी हम एजवान में बैठे हैं। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, काश मैं अपनी ब्लैक जैकेट पहन के आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं। और रोजा अच्छा गुजर रहा है, और क्या चाहिए। यहाँ से हम जाएंगे टेंपल ऑफ पिरामिडस्ट्रा से फिर नोएकॉन पेशाने वाले ट्रैप टावर अस्क्रोस। हमें यहाँ पे लैंड पे वाली मतलब बहुत सारे स्टॉप निकलेंगे। अभी तकरीबन 8 स्टॉप और आएंगे। अभी So we are in Dong Zon Center. यहाँ पे हॉल बने हैं, तो हॉल के हिसाब से जो है ना वो है, मतलब कि सबकी शॉप्स हैं। नहीं, हॉल वन जैसे चाइना का है, हॉल टू इस तरह से ना। फिर उन्होंने बाहर मेंशन किया है? नहीं, ये मेंशन नहीं किया। आप अंदर जाके पता चलेगा कि कौन सा स्टोर है। ये तो पॉलिसी था कि सारे जनरल स्टोर्स में आप जा सकते हैं। ये हॉल वन तो प्रॉपर चाइनीज है, वो सारा चाइनीज माल है। खैर हम चाइनीज तो है नहीं, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? शुरुआत जाने वाले हैं हाले 8 ग्रोस हैंडल। अच्छा सैलॉन्स भी हैं इधर। काफ़ी बड़ी मार्केट है। सही बोला था, सही बोला था कि जितना घूमेंगे उतना कम है। बिल्कुल ऐसी है।
सो अभी हमने जो जिस चीज के लिए मैं आई थी ना हिजाब के लिए, तो वो तो मुझे मिल गया, तो ये मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरे हॉल में। दूसरे हॉल में। अभी जब से हम आए हैं ना, तो हम दो हॉल जो है वो सर्वे कर चुके हैं, तो अब हम तीसरे हॉल में जाने वाले हैं। और अभी हमें इन दो हॉल में घूमने में पूरा एक घंटा शायद है ना, ज्यादा एक घंटे से भी ज्यादा लग चुका है। और अफ्तार का टाइम भी करीब आता जा रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रोजा फील नहीं हो रहा क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है। इंडिया और पाकिस्तान में मिलता है ये मस्कमेलन 4 यूरो केजी। और यहाँ आम भी मिल गए हैं, अमरूद भी, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट्स। थाईलैंड में तो इसकी भरमार थी। हम आए हैं अफ्तार करने के लिए, और ये अभी हम डॉन्ग जोन एशियन मार्केट में ही हैं। और यहाँ पर एक अफगानिस्तानी वैन है, और ये उन्होंने यहाँ पे ऐसे कैंप लगाया है, तो अभी हम उसी कैंप के अंदर बैठे हुए हैं। और अभी हम यहाँ पे अफ्तार करेंगे, जस्ट 5 मिनट्स है, फिर जो हमने ऑर्डर किया है वो आएगा, फिर हम उससे अफ्तार करेंगे। तो ये हमारा काबली पुलाव आ गया आज की अफ्तारी में। ये दिखाओ ये क्या है, क्रिस्पी बर्गर, उल्टा हुआ है, मतलब उल्टा लग रहा है कि उल्टा हुआ है शायद, क्या हुआ तुम्हें, नींद आ रही है क्या? चलें खाना शुरू करें। तो हमने रोज़ अफ्तार कर लिया, और अब हम आए हैं यहाँ पर बबल टी पीने के लिए। बबल टी के लिए अब पियो जल्दी से। नहीं, ब्राउन शुगर। अच्छी है, चलो ये इसके नसीब में रिस्क लेना, तो नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है दूसरा दिन, क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, तो इसलिए बस मैं घर आई और घर आते ही मैं सो गई थी, क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मती कल में बहुत 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 ज्यादा चली हूँ, तो इसलिए मैं बहुत थक गई थी। तो ये है वो प्यारा सा हिजाब जो कल मैंने एशिया मार्केट से लिया। एक्चुअली वो अफगानी मार्केट थी, और वहां पे बहुत अलग अलग तरीके के हिजाब थे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यारा यही वाला कलर लगा, और ये मुझ पर सूट भी कर रहा है, तो अच्छा हुआ मैंने यही कलर ले लिया। और अभी मैंने नमाज पढ़ ली है, और अब है कुरान पाक पढ़ने का टाइम, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुरान पाक पढ़ने के बाद। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज्जा, और ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था वो बहुत मजे का बना था, तो आई होप इंशाल्लाह कि इस बार भी वो अच्छा बने। तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयार करके रख लिया है। तो ये रहे हमारे पिज्जा डो, ये रहे वेजिटेबल्स, और ये है चिकन जिसे अभी हम पकाने वाले हैं। तो चिकन को बनाने के लिए हमने लिया 2 टेबल स्पून ऑयल, नमक, अदरक, लहसुन, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसका कलर चेंज करने तक पकाएंगे। तो चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया था, फिर हमने इसके अंदर डाला पिसे हुए मिर्च, हल्दी और काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो दही भी मिलाया। अब हम इसे इसका पानी खुश्क होने तक जो है वो पकाएंगे। तो हमने पिज्जा डो को अच्छे से राउंड शेप में कर लिया है, और अब हम इसके अंदर लगाने वाले हैं पिज्जा सॉस। हमने इसमें पिज्जा सॉस लगा लिया है, अब हम डालने लगे हैं इसमें चेडर चीज। हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर ली, चिकन ऐड कर लिया, अब हमने इसके अंदर डाला है ये रेंच सॉस, इससे पिज्ज़ा का जो फ्लेवर है ना वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो मोज़रेला चीज़ डाली, ऑलिव्स डाले, चिली फ्लेक्स, और अब हम इसमें डालने लगे हैं ओरिगानो। सो हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, सारी टॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, अवन अच्छे से प्रीहीट हो गया है। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं अपना पिज़्ज़ा। मेरा पिज्जा बिल्कुल बनकर तैयार है, जूम करो जूम, इसके डो कितनी ज्यादा फूल गई है, मतलब मैं सेकंड टाइम भी जो है वो पास हो चुकी हूँ। अब ये टेस्ट में तो आप बताओगे कि कैसा बना है। तो बस अभी अफ्तारी में जो है वो सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, बस जल्दी से टेबल को रेडी करते हैं, फिर करेंगे हम अफ्तार। हमारी टेबल बिल्कुल रेडी है आज की, और अब हम करने लगे हैं अफ्तार। और आई होप आपको आज का व्लॉग भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, तो अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैसा बना? बेहतरीन, पास हो गई ये चीज़ें बनाया हो।
ऐसी चीजें खिलाए मेरे बाहर। थैंक यू सो मच, मजा आ गया।